से हमारी पहली दर्शक ने अपना सवाल भेजा है, साक्षी जादव इनका नाम है। वोडा आइडिया पर यह सवाल पूछना चाह रही थी, 12.47 रुपए की खरीद है, 300 शेयर लिए हैं, अभी 9 रुपए के नीचे ये स्टॉक है, फ्लैट ऑलमोस्ट 1.25% स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्या कर सकते हैं? नेहा, ये पर्टिकुलर काउंटर में मेरा व्यू कॉशियस टू बेरिश ही है। मुझे नहीं लगता कोई अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है या लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए आइडिया रखना चाहिए। अभी फिलहाल 8.5 रुपए के आसपास चल रहा है, पुल बैक रैली आती है तो भी 10-12 तक आएगी। मुझे लगता है इसमें डाउनफॉल ज्यादा है कंपेयर टू ऑन अपसाइड, तो मेरी रहेगी कि अगर कोई भी उछाल आता है तो ये काउंटर में से आप एग्जिट कीजिएगा। आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई आपको अच्छे खासे मुनाफे देखने मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली टेलीकॉम में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आई विल सजेस्ट कि भारतीय एयरटेल एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। थोड़ा महंगा है 700 के रेंज में कंपेयर टू आइडिया, बट ये क्वालिटी काउंटर है जो आपको पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स एंड आपको इन्वेस्टमेंट्स काफी गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो मेरी राय होगी कि आइडिया से स्विच करके आप भारतीय एयरटेल में बाई कीजिएगा, मुझे लगता है ये काउंटर काफी अच्छे रिटर्न आपको दे पाएंगे। पॉइंट टेकन। तो वोडा आइडिया, यहाँ पर कोई भी उछाल मिले तुरंत ही आप निकलने की कोशिश करें और निवेश के लिहाज से